एक बार बाबा अटल राय और गुरु तेग बहादुर जी अपने साथियों के साथ खिद्दो खुंडी हॉकी जैसा खेल खेल रहे थे। जिसकी बारी होती उसे अपनी बारी देनी पड़ती थी। एक दिन खेलते खेलते रात पड़ गई और अंधेरा होने के कारण खेल बंद करना पड़ा, परंतु बारी मोहन नाम के एक बालक के सिर रह गई। अगले दिन दोनों भाई और बच्चे मोहन के घर गए कि वह आकर उसके सिर आई बारी दे। सभी बच्चों का ख्याल था कि मोहन बारी से डरता खेलने नहीं आया है। जब सभी साथी इकट्ठा होकर उस बालक के घर गए तो पता चला कि मोहन को सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे और मोहन के माता पिता विलाप कर रहे थे, परंतु बाबा अटल ने उनके विलाप और भीड़ की परवाह न की और कहने लगे, यह जानबूझकर मरने का छल कर रहा है ताकि अपनी बारी न देनी पड़े। मैं अभी ही इसको लाठी मारकर बताता हूं कि बहानेबाजी कैसे की जाती है। बाबा अटल राय ने जब मोहन को लाठी से जोर से हिलाया तो वह उठकर बैठ गया। फिर सभी ताली मारकर हंसने लगे और कहने लगे, बच्चे यह बहानेबाजी नहीं चलेगी, उठ और अपनी रात वाली बारी दो। मोहन उठकर बाहर आ गया और सभी बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया। परंतु मोहन के माँ बाप और गली मोहल्ले के लोग जानते थे कि मोहन मर चुका था और बाबा अटल राय ने इसको अपनी शक्ति से जिंदा किया है। इसलिए धीरे धीरे यह समाचार गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास भी पहुंच गया। सच्चे पातशाह स्वयं सब कुछ जानने वाले थे। उनको यह पता था कि बाबा अटल राय जी हर प्रकार की करामात के मालिक है। उनकी समाधि तो पालने में ही लगी रहती थी। उन्होंने ऐसी घटना को ठीक न समझा, क्योंकि महापुरुष कभी करामात नहीं दिखाते। करामात कहर का नाम है। एक सच्चे सिख का धर्म है कि वह रिद्धियों सिद्धियों पर भरोसा न करे। वह समझते थे कि इस घटना का जब लोगों को पता चलेगा तो जब भी कोई मरेगा तो उसके घर वाले लाश उठाकर बाबा अटल राय के पास ले आया करेंगे कि इसको जिंदा कर दो। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने बाबा अटल राय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम आज प्रभु का शरीक कैसे बन गए हो, अर्थात प्रभु की बराबरी करना। यह काम प्रभु का है कि वह किसी को मारे या जिंदा करे। तुमने यह अच्छा काम नहीं किया है। प्रभु ऐसे कारनामों पर खुश नहीं होते। बाबा अटल राय चुप रहे, परंतु अपने पिता की बातों से बहुत शर्मसार हुए। उन्होंने यह मन बना लिया कि अब उनका इस दुनिया में रहना योग्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसी समय समाधि लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। जब संगत ने उनको देखा, टटोला और हिलाया तो सब हैरान रह गए कि बाबा अटल राय संसार छोड़कर चले गए थे। गुरु हरगोबिंद साहब तो पहले ही जान गए थे। उन्होंने बाबा अटल राय का अपने हाथों दे संस्कार किया और संगत को धीरज दिया कि वह इस बारे में दुखी न हो। उन्होंने सभी को उपदेश दिया कि मानव की जिंदगी और मौत प्रभु के हाथ में है। उसकी मर्जी और रजा में ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें किसी के जन्म पर न खुश ही होना चाहिए और न मौत पर गम ही करना चाहिए। शिक्षा, हमें वाहिगुरु की रजा में खुश रहना चाहिए, फिर चाहे दुख हो या सुख।